केजरीवाल साहब एक बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है जी। या तो जो उनके खिलाफ है उनको हर किस्म की गाली देंगे कि इससे बड़ा बेवकूफ, इससे उसको मैं क्या बोलूं, मैं अश्लीलता का प्रयोग नहीं, अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, और या वो ऐसे लोग हैं जो इसको एक बिल्कुल ही अपनी मूर्ति मानते हैं, भगवान मानते हैं। खैर, पॉइंट ये है कि वो बड़ी भारी भारी बहुमत से दिल्ली में थ्रू अ फेयर एंड फ्री इलेक्शन करके दिल्ली के नेता बने वो, ठीक है। और उन्होंने इन द प्रोसेस क्या किया कि बीजेपी और जो मोदी की चैरियट थी, मोदी का हाथी जो था, उसको रोक दिया। वो पहली अच्छा, उसको बीजेपी ने अभी तक उसकी सहन नहीं की है। अब ये क्या हो गया है कि ये हाथी और चींटी की लड़ाई हो गई है। अभी जो ये चींटी है, ये हाथी के सूंड पे सिर्फ चढ़ी है, और हाथ तो चींटी अब सिर्फ उस पर चढ़ी है, तो बीजेपी को इतना वो लगता है कि आप देखिए कि थ्रू आउट अपॉइंटमेंट्स पे, सेक्रेटेरियट अपॉइंटमेंट्स पे, विमेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट्स पे, हर बात पे केजरीवाल पे रोक लगने की कोशिश की है। और अब अभी तक तो चींटी सिर्फ सूंड पे बैठी है, अगर सूंड के अंदर चढ़ जाए चींटी तो क्या होगा, इसका परिणाम तो मैं जान नहीं सकता। मगर इसमें कोई सवाल नहीं है कि इसमें इस तरह से रेड कराना सीबीआई को एक जेस्टापो की तरह यूज नहीं करना चाहिए। जिस तरह के वीरभद्र सिंह के खिलाफ भी चार्जेस थे वहां पर, अब उसकी बेटी की शादी है, उस दिन 15-20 सीबीआई लोगों ने जाके उसके घर में, जब उसकी बारात, उसकी विदाई हो रही है, उनको कौन सा शुभ दिन था मुझे याद नहीं है, इस तरह से आना। और इधर बिना केजरीवाल को इन्फॉर्म करे उनके ऑफिस में जाके रेड करना, चार्जेस, मायावती जी कह रही है कि अभी हमें चार्जेस पता नहीं है, पर जिस प्रकार से एक पैटर्न बन चुका है मोदी वर्सेस केजरीवाल, इधर एक IAS से लड़ाई जा रहा है। यहाँ पर जो सरकार, केंद्र सरकार है, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से दिल्ली की सरकार को चलने नहीं दे रही।